हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, जैसे कि हम सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले था सेफ मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशंस, उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हम मटेरियल लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, पर्सनली उठा रहे हैं मतलब, या फिर किसी मशीन के थ्रू उठा रहा है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी। तो गुड टेक्निक्स जो रहती हैं उसके अकॉर्डिंग ये पांच टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आता है जैसे कि प्लान। पहले हमें देखना है, समझना है जो सामान है वो कितना भारी है, कितना लोड इसमें रहेगा। ठीक है, पोजीशन, पहले हमें इस तरीके से पोजीशन लेनी है। ठीक है, फिर लिफ्ट, देन हम मूव करेंगे और उसे प्लेस कर देंगे। ये हमारी क्या है, गुड टेक्निक्स होती है किसी भी मटेरियल को उठाने की, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग करनी है, हम मैनुअली किसी भी सामान को उठा रहे हैं, मैनुअली हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, चेक टू परफॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, डेंजरस चीज़ें चेक करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, उसकी प्लानिंग चेक करेंगे। ठीक है, रेस्ट चेक करेंगे, प्रोटेक्शन हमने क्या लिया, और डेजिग्नेशन चेक करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे आने जाने का रास्ता, हमने उसके लिए क्या PPEs पहनी है, जो भी हम सामान भारी उठा रहे हैं, कि हमने सेफ्टी शूज़ पहने हैं, ऐसा तो नहीं चलते वक्त सामान गिर जाए और हमारे पैर में ही चोट लग जाए। हमने क्या प्लानिंग करी है ये भी चेक करेंगे। बैलेंस, जब भी हम सामान को उठा रहे हैं, क्या हम उसका जो लोड है उसकी वजह से स्टेबल हो पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारी ग्रिप जो है वो ना बन पा रही हो ठीक से, हम उसे हाथों में ठीक से पकड़ ही ना पा रहे हों, है ना, ज़्यादा भारी हैवी लोड है, हम उसको उठा के चल ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें फिर एक्सेसिंग और अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। उसमें क्या है, हमें रिकॉग्नाइज करना होगा पोटेंशियल, मतलब हमें ये देखना होगा उस काम में, उस सामान को उठाने में कितना खतरा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए जिस सामान को हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हैंडलिंग कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या सामान उठा के ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें पता ही नहीं है सामान क्या था, क्या पता उसके अंदर कुछ नुकीला सामान हो जो गिरते ही आपके पैर कट जाए। तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना, जो भी सामान हम उठा रहे हैं वो किस कैसा मटेरियल का है। मान लीजिए कुछ ग्लास की चीज़ें हैं उसमें और आप ले जा रहे हैं और आपने केयरफुली नहीं लेके गए, तो सामान टूट सकता है, गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फैमिलियर होना पड़ेगा, अनफैमिलियर नहीं होना चाहिए किसी भी सामान को अगर उठा रहे हैं तो। ठीक है, साथ में हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो हमेशा ही वेयर करने हैं, पूरे जगह पर जहाँ भी आप ये हैंडलिंग कर रहे हैं मटेरियल की, वहाँ पूरा गुड हाउसकीपिंग होनी चाहिए। हाउसकीपिंग हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, अगर हाउसकीपिंग ठीक से नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जो लिफ्ट करके आप सामान ले जा रहे हैं, रास्ते में कील पड़ी हुई है, कोई भी सामान पड़ा हुआ है, हैमर रखा हुआ है, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल होता है जिसकी वजह से आपको ठोकर लग सकती है और आप गिर सकते हैं। तो क्या ये प्रॉपर हाउसकीपिंग ना होने की वजह से तो हुआ ना ये एक्सीडेंट, तो ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी है। ठीक है, हमें अपनी ओन कैपेसिटी भी रियलाइज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम खुद तो मतलब हम खुद तो बेयर नहीं कर पाएंगे इतना लोड, और हम चले गए 60 किलो का वज़न उठाने, हम खुद ही इतना नहीं उठा पा रहे हैं सामान और गए हम इतना भारी भरकम सामान उठाने हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें रियलाइज़ करना है कि हमारी खुद की कैपेसिटी कितनी है, क्या हम इतना लोड उठा भी पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैनुअल हैंडलिंग में ये मेन चीज़ें आती हैं। पहले तो हमें टेक्निक्स पता होना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चेक करने का तरीका पता होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सामान को उठाने से पहले। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एसेसिंग करेंगे मटेरियल को उठाने से पहले, हम देखेंगे उसमें कितना हजार्ड है, किस मटेरियल का क्या मटेरियल है, क्या प्रॉपर हाउसकीपिंग है आसपास, हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हैं या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। फिर हम चेक परफॉर्मेंस करेंगे अपना, देन गुड टेक्निक्स लगा के हम मटेरियल उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैनुअल हैंडलिंग में एक चीज़ और समझाई गई है, जैसे कि आप कोई वेट उठा रहे हैं। ठीक है, और जो वेट उठाने के लिए आप जो कर रहे हैं, हैंडल नहीं हो पा रहा है आपसे, आप नहीं उसे सेट कर पा रहे हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक अकेले इंसान, एक लौते इंसान उस सामान को उठाएंगे, आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको उसको उठाने में, लिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप वो सामान किसी और की हेल्प से उठवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सामान आप उठा रहे हो उसकी वजह से आपको कोई इंजरी ना हो जाए, आपको इनकरेक्ट मैनुअल हैंडलिंग नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखें अपने बैक को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट रखें, उसे स्ट्रेट रखें, बेंडिंग करते वक्त कोई आपको प्रॉब्लम ना हो जाए बैक में, इस बात का ध्यान रखना है। आपको वर्क प्लेस पर कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, तो आपको बता देना है कि इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है और मैनुअल हैंडलिंग के
समय पर ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो आपको रेस्ट भी दिया जाएगा, पर आपको ऐसा कोशिश यही करनी है कि आप पूरी सेफ्टी के साथ ये काम करें, ठीक है। आपको और क्या करना है, आपको सेफली उस सामान को उठाना तो है, एक साथ में अपनी सेफ्टी भी देखनी है, ठीक है। ऐसा कोई लीगली लिमिट नहीं है वेट लोड के ऊपर, आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, सेट किया हुआ एडवाइस दी गई है कि वेट लिमिट क्या है। सच बताएं तो इसमें होता क्या है असल में कि वेट लिमिट तो आपको नहीं दी जाती है, पर हाँ वेट लिमिट देखिए कोई नहीं रहती है, आप जितना लोड बेयर कर सकते हैं, जितना लोड उठा सकते हैं उतना ही आप कैरी करें, है ना, सबसे पहली चीज़। और अगर आप हैवी वेट करें तो आपको एडजस्टमेंट, डिफरेंट कैरिंग पोजीशन, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसे करें आगे, ठीक है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वहीं इनकेस कोई फीमेल अगर लोड बेयर कर रही है तो उसे जहाँ तक जो सेफली है वो 16 kg का रहता है, देन उसके बाद उसको नहीं बेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैनुअल हैंडलिंग में, कि आप जो भी मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, मटेरियल उठा रहे हैं, तो आपको ही अपनी सेफ्टी जो है वो मेंटेन रखनी होगी और इस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी जिससे कि आपके एक्सीडेंट से आप बच सकें, ठीक है। आपको ये भी देखना है, फिर अभी तो मैनुअल हैंडलिंग की बात हुई है, ये तो सिर्फ मैनुअल हैंडलिंग में यही है कि आप अपना पूरा ध्यान रखें, ठीक है। आपको खुद ही बैलेंस करना है सामान, आपको खुद ही चेक करना है जो भी लोड्स हैं आप जैसे भी उठा रहे हैं उनको, खुद ही आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से आपको एक दूसरा टॉपिक बताया, जैसे कि स्टार्टिंग में पहले मैंने आपको बताया था सेफ मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का तो हो गया था जो टॉपिक था मैंने एक्सप्लेन करते थे, अब ये मैनुअल हैंडलिंग आई है, तो मैनुअल हैंडलिंग के जो भी टॉपिक्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, हम कैसे मैनुअल हैंडलिंग करें, कैसे सामान को उठाने से प्रोटेक्ट करें, खुद को कैसे सेफ रखें, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैनुअल हैंडलिंग के यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आप सेफ्टी रख सकते हैं और खुद को सेफ भी रख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।